सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि बिहार इंजीनियरिंग में यदि आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और पहले से आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बना लेना है, ताकि जब BCC यानी कि बिहार इंजीनियरिंग का जैसे ही काउंसलिंग होता है तो ये सब आपको वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स। मैं एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए, ताकि एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है या स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कब इसका और BCC का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, हर एक मैं स्टेप मैं बताता रहूँगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले रही है। और फ्रेंड्स, BCC UGC का काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा, जो कि JEE Main सेशन 2 का, जो कि एग्ज़ाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो IIT NIT के लिए तो जोसा काउंसलिंग करवाता है, लेकिन बिहार इंजीनियरिंग के लिए UGSC काउंसलिंग करवाता है, यानी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू। तो काउंसलिंग में जो कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि जिनका परसेंटाइज JEE में कम होता है, तो उनको अच्छा कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें होता है, ज़्यादातर हो जाता है कि काउंसलिंग अच्छा से करना पड़ता है। तो काउंसलिंग मैं पेड काउंसलिंग भी चलाता हूँ, जिसमें कि बहुत ही कम चार्ज रखता हूँ, जिसमें आपको 399 रुपया लगता है। आप लोग भी जानते हैं कि साबर कैप में जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी ले लेता है 150 रुपया। मैंने भी 200-300 रुपया अपने के लिए रखा है, क्योंकि आप लोग का वर्क करता हूँ। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो पैड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का भी है, इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। अब चलता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये मेरा क्या है और कौन कौन सा आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें आपको कुछ कुछ गलती हो जाता है, इसीलिए आपको पहले से ही सचेत रहना है। और आपको तो ये मेरा जो कि प्रोविजनल एडमिशन स्लिप है, जब मैं काउंसलिंग में गया था तो ये मेरा मिला था एडमिशन के लिए। एडमिशन जब स्लिप हुआ था तो मेरा कौन कौन सा वेरीफाई हुआ तो वो मैं बताऊंगा। वो ये देख सकते हैं कि बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कम्पटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड BCC बोर्ड है, जो कि पहले होता था कि सेपरेट इसका एग्ज़ाम होता था BCC का, जो कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, लेकिन 19th दिया JEE Main के थ्रू एग्ज़ाम लेता है और BCC UGSC के थ्रू इसका काउंसलिंग करवा के बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है। तो ये मेरा जो कि एडमिशन हुआ था 2021 के सेशन में, 2020 है, और काउंसलिंग के लिए जो कि फर्स्ट राउंड में मेरा एडमिशन हो गया था। तो यहाँ पर जो कि सब डेट उट लिखा रहेगा, आपको UGSC ID रहेगा, नेम रहेगा, कैटेगरी, ईमेल ID सब रहेगा। और यहाँ पर कोर्स के लिए देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू मेरा हुआ था, और आप लोग को भी यही अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद आपको रैंक रहेगा, UR रैंक रहेगा, फिर उसके बाद स्टेट रैंक बनता है। जैसे आपको JEE Main का ऑल इंडिया रैंक आया होगा, परसेंटाइल आया होगा, उसके बाद आपको बिहार इंजीनियरिंग के लिए स्टेट रैंक होता है। तो उसमें वही मैं बताया कि एप्लीकेशन आएगा UGSC का, तो मैं बता दूंगा। और स्टेट वहां पर जितना भी स्टूडेंट चाहेंगे कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, तो वहीं पर जो कि आपको एप्लीकेशन जितना भी स्टूडेंट भरेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रैंक तैयार होगा। तो मेरा देख सकते हैं कि स्टेट रैंक बना था UR में 4446 और EBC में देख सकते हैं 1054 था। और यहाँ पर आपको अलॉटमेंट जब डिटेल्स भी दे दिया जाता है कि आपको कहाँ पर हुआ, तो मेरा देख सकते हैं रिपोर्टिंग सेंटर सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और रिपोर्टिंग सब टाइम भी दिया रहेगा, अलॉटेड इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपको अलॉटेड किया गया है, उसके बाद ब्रांच रहेगा, कौन सा आपको ब्रांच मिला है, अलॉटेड कैटेगरी है देख सकते हैं। और जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के लिए आपको देख सकते हैं फी हमको 2500 रुपया लगता है। उसके बाद यहाँ पर मोड रहेगा, आपको ऑनलाइन नहीं लिया जाता है, आपको कैश ही लिया जाएगा। और अभी जो कि एडमिशन चार्ज थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो 3000 से 3500 तक आपको एडमिशन फी देना होता है। और अब चलते हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पर दम इम्पोर्टेंट बात है और इसको ध्यान से देखिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, कौन कौन सा मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ था और आपको भी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और कौन सा आपको पहले बनाना होगा, इसको आपको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ UGSC, यस
कर दिया गया है, वेरीफाई कर दिया है। तो इसका मैं बताता हूँ कि पार्ट ए पार्ट बी जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा UGSC का यानी बिहार इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको पार्ट ए पार्ट बी जब एप्लीकेशन भरिएगा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो मिलेगा, तो उसको अच्छा से रखना है और वो वेरीफाई होता है। उसके बाद मैट्रिक कैलकुलेशन 10th मार्कशीट, यस जो कि 10th का आपको मार्कशीट होना चाहिए वो भी वेरीफाई होगा। उसके बाद मैट्रिक कैलकुलेशन 10th पासिंग सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, वो वेरीफाइड होगा। यदि ISC किए होंगे या तो डिप्लोमा, यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको दो तरह से इसमें एडमिशन होता है, एक डिप्लोमा किए हुए रहेंगे उनको और एक ISC किए हुए होंगे यानी 12th किए होंगे उसको आपको एडमिशन होने वाला है। तो इसमें भी जो कि ISC किए हुए हैं उनका मार्कशीट होना चाहिए, वो भी वेरीफाई होगा। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो भी वेरीफाइड होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि JEE Main, तो JEE Main के एग्ज़ाम दिए होंगे तो एडमिट कार्ड होगा तो वो भी आपको वेरीफाई करेगा और उसको अच्छा से रखिएगा एडमिट कार्ड को भी। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि एडमिट कार्ड इधर उधर कर देते हैं, ऐसे तो ऑनलाइन पर आता है निकाल लेते हैं। JEE Main का स्कोर कार्ड जो कि अभी आया है आपको रिजल्ट, तो वो भी वेरीफाइड होता है। UGSC 2020 रैंक कार्ड जो कि 2020 में मेरा हुआ था, तो रैंक कार्ड इसका आएगा जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद रैंक कार्ड इसका अलग से होगा बिहार इंजीनियरिंग का, तो भी वेरीफाइड होता है। और जेंडर के लिए तो कोई भी सर्टिफिकेट हो रहेगा तो हो जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड कौन सा आप कास्ट से हैं उसका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ का स्थायी हैं ये सब आपको देखना होगा, ये सब पहले बनाना होगा। जातीय आवासीय जिनको बोलते हैं, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो ये सब मिलता ही है। मिनिमम एज एजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो मार्कशीट से हो जाएगा या सर्टिफिकेट कोई भी रहेगा तो हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यस है, मिनिमम क्वालिफिकेशन किया था वो भी वेरीफाई जो कि 12th का होता है। इनकम सर्टिफिकेट भी बना लीजिएगा, लेस देन 8 लाख तक होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले तीन चीज़ आपको बनाना होगा जो कि आय जाति आवासीय तीनों है, वो आपको बनाना होगा पहले, ताकि आप जैसे ही काउंसलिंग में जाते हैं तो ये सब जल्दी नहीं मिलता है, आपको भी पता है 1-2 मंथ लगा देता है, तो आप लोग ये बना लीजिए। और अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको जैसे ही अलॉट होता है कोई भी कॉलेज तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना होता है। तो फ्रेंड्स ये सब आपको जो कि ले जाना होता है और ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है जैसे ही काउंसलिंग होता है उसमें आपको रिपोर्टिंग सेंटर जाता है, तो ये देख लिए। और जैसे ही कोई भी और अपडेट रहेगा और कुछ आपको डाउट है कि कौन को क्या चाहिए या किसी भी तरह का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। और चैनल पर आए होंगे तो पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर ले रहिए ताकि आपको हर एक अपडेट आपको मैं देता रहूं, आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन भी आप लोग दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही डालूंगा अपडेट डालूंगा तो आपको पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।